आठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश सिंह चुन्नू के पुत्र विक्रांत सिंह द्वारा लगातार 45 दिन से गांव हो रहे सैनिटाइज। प्रतिदिन लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए समाज सेवी संस्थाओं द्वारा मास्क पीपीई किट का भी वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांठ विधायक राजेश कुमार सिंह व उनकी टीम ने कांठ व छजलैट थाना क्षेत्र के कई गांवों को सैनिटाइज किया, साथ ही सभी को कोरोना वायरस से बचने के टिप्स भी दिए। भारत में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.25 लाख के पार है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार इस वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर कांठ विधायक राजेश कुमार सिंह व उनके सुपुत्र विक्रांत सिंह ने सभी गांवों को सैनिटाइज कराने का संकल्प लिया। विधायक पुत्र व किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि हम पिछले 45 दिन से गांव-गांव जाकर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंस के बारे में भी बताया जा रहा है। मेरा नाम विक्रांत सिंह है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में, और माननीय विधायक कांठ चौधरी राजेश कुमार सिंह जी का मैं बेटा हूँ। आज जो है आपके द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, कितने गांवों को अब तक सैनिटाइज किया जा चुका है? भैया लगभग 45 दिन से 45 गांव से ऊपर हम सैनिटाइज कर चुके हैं एक घर जाकर, और टोटल 25-26 दिन हमें पूरे हो चुके हैं सैनिटाइजेशन का काम करते हुए। और रोज़ इसी तरीके से हमारा एक या दो ट्रैक्टर, बड़ा गाँव होता है दो ट्रैक्टर लगाते हैं, एक गाँव छोटा होता है तो एक ट्रैक्टर लगाते हैं, और इसी हिसाब से हमारा कार्य लगातार चल रहा है। जैसे कि 25 कांठ काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो लगभग कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा? अब देखिए 25 कांठ विधानसभा में तो गांव लगभग 300 के ऊपर है, हर गांव में तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये है कि जब तक दिक्कतें चल रही हैं, जब तक ये बीमारी है, जब तक सैनिटाइजेशन ज़रूरत है, जिस गाँव में ज़रूरत है, जहाँ पॉजिटिव निकल रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम पहुँच रहे हैं, जहाँ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं वहाँ भी हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, एक आप जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे भारत की जनता के लिए जिससे वो कोरोना से लड़ सके और जंग जीत सके? देखिए कोरोना एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसके साथ अभी हमें जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का भरपूर प्रयोग, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल, और दूसरी चीज़ अब कल से हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो भी खुलने वाले हैं। हमने भी कल जितने धार्मिक स्थल में पहुँच पाए हम पहुँचे, हमने सैनिटाइजेशन भी करवाया, पुजारियों को भी हमने पीपीई किट दी, मास्क भी दिए, सैनिटाइजर भी दिया, साबुन भी दिए। धार्मिक स्थलों पे सत्कर्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मूर्तियों को बिल्कुल ना छुएं, प्रसाद ना लें ना दें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, इस बीमारी से सिर्फ बचा जा सकता है, इलाज अभी तक कोई नहीं है इसका। अच्छा, जैसे में दिक्कत ये आ रही है, जो प्रवासी मजदूर अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो बिना बताए गाँव घूम रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए हम अब हमारी जो पूरी टीम घूम रही है, जो माननीय विधायक जी की टीम है, वो बार बार लोगों से ये कह रही है कि जितने भी प्रवासी मजदूर ऐसे कोई बाहर से आए हैं उनके बारे में तुरंत सूचना दी जाए, और अगर हेल्थ ये स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर नहीं पहुँचती है तो हमें बताएं। ऐसे जितने भी लोग हैं हम खुद SDM साहब से बात करके स्वास्थ्य विभाग की टीम में भिजवा रहे हैं, उनकी जाँच करवा रहे हैं, जिनको दिक्कत है उन्हें क्वारंटीन भी करवा रहे हैं। अच्छा, 25 कांठ में अभी तक कितने क्वारंटाइन सेंटर आप चला रहे हैं जिसके द्वारा मतलब जो है खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है? 25 कांठ विधानसभा में सरकार की तरफ से 3 क्वारंटीन सेंटर अभी तक चल रहे हैं, और वहाँ प्रॉपर SDM साहब की देखरेख में सब चल रहा है, और प्रॉपर खाने वाने की सब व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। SDM साहब जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है अभी, क्योंकि सब हर कोई नौकरी पे तो जा नहीं सकता, सबको दिक्कत हो रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है बाहर से आए हैं उनके लिस्ट भी बना के हमने, जिन गांव में हम पहुंचे उन गांव की लिस्ट हमने SDM साहब को दी, वो अलग से राशन उन्हें उपलब्ध भी करवा रहे हैं।